नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश पासवान, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए सच में यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मेरे जो हर वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो मैंने कैसे डाउनलोड किया, इनका नाम क्या है, और ये इसको अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे वीडियो कितना सेफ है। ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे पिछले वीडियो पे कमेंट आया था कि रितेश भाई, आपका जो वीडियो है उनमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उनका नाम क्या है, कैसे डाउनलोड करें, तो प्लीज़ बताइए। तो मैंने सोचा इनके ऊपर जो है एक फुल वीडियो ज़रूर बनाया जाए। तो इसीलिए अगर आपको ये वाली म्यूजिक, जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे हो, अच्छा लगता है तो मैं आपको अच्छा से बताऊंगा कि इनको कैसे डाउनलोड करना है। और आप लोग यकीन मानिए, पता नहीं इस म्यूजिक में क्या है, बड़े बड़े यूट्यूबर को मैंने देखा हूँ जो टेक्निकल और भी अदर कैटेगरी के भी जो चैनल है उनको भी मैंने देखा हूँ कि ये वाला म्यूजिक वो लोग ज़रूर यूज करते हैं ना। और मैंने ऐसे नए यूट्यूबर को भी देखा हूँ जिनका चैनल एकदम से बूस्ट कर गया, उनके भी हर वीडियोज़ में ये वाला म्यूजिक रहता ही रहता है। पता नहीं भाई इस म्यूजिक में कुछ तो ऐसी बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस म्यूजिक को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भी आप लोग देख रहे हो कि मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो म्यूजिक है, अगर इस म्यूजिक को आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में यूज करते हैं तो आपके उस वीडियो पे बिल्कुल भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ये कॉपीराइट फ्री है। यूट्यूब खुद इस म्यूजिक को सजेस्ट करता है कि आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके चैनल को क्रोम ब्राउज़र से डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। किसी भी, अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। और यहाँ पे मैं कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद ही जो है मेरे चैनल का जो पूरा सेटिंग ओपन होगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि दोस्तों खुल चुका है मेरा जो चैनल है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे अपना चैनल ओपन कर लिया। तो दोस्तों उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके चैनल का। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड में देखोगे सबसे लास्ट में एक म्यूजिक का आइकन है ना, यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाता है ऑडियो लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे कि यार यहाँ तो वो म्यूजिक होता ही नहीं है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है, सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी, यहाँ पे मुझे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है क्रॉकपॉट, ठीक है। तो मैं इस म्यूजिक का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम है POT, ठीक है ना। आप देख सकते हो मैंने इतना टाइप किया और मैंने इन्हें सर्च कर लिया। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे ये जो म्यूजिक है इजीली जो है आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इनको चालू करके भी आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों आपने सुनी लिया है, यही म्यूजिक है। उसके बाद डाउनलोड के लिए आपको इस तरफ स्वैप करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक बार ये देख सकते हो, यहाँ पे आ चुका है डाउनलोड के लिए। तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं आप, इधर डाउनलोड हो रहा है, बहुत ही फास्ट डाउनलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल में अपने वीडियोस के लिए आप ये म्यूजिक इस टाइप से बहुत ही अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। बेफिक्र रहें, कोई कॉपीराइट क्लेम आपके वीडियोज़ पर नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छा लगा हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो लेकर के मैं आता ही रहता हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।